आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। कैसे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कर रही है यहाँ की सरकार? ऊपर से कहती है कि मैं 22,000 लोगों को रोजगार दूंगा, इन बेरोजगारों की हालत तो देखो यहाँ पे। आप हमको सिखाएंगे कि रोजगार क्या होता है? हमारी लगी हुई नौकरी वो भी छुड़वा दी तुमने, सड़क पे ला दिया, कटोरा हमारे हाथ में आ गया। गांधी पार्क बना धरना पार्क, प्रदेश के युवाओं ने लगाए संगीन आरोप। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का गांधी पार्क आज धरना पार्क नजर आ रहा है, जहां पर विभिन्न मांगों को लेकर युवा धरने पर बैठे हैं, जिसमें कई आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, कई रोजगार के नाम पर छलावे की बात कर रहे हैं, कहीं परीक्षा परिणाम में धांधली की बात कर रहे हैं, तो कहीं चयनित युवा ज्वाइनिंग की अपील कर रहे हैं। लेकिन राजधानी देहरादून के केंद्र बिंदु में मौजूद इस गांधी पार्क से इन युवाओं की आवाज सत्ता और सत्ता के नुमाइंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्यों इनको अनसुना किया जा रहा है? क्या सत्ता के नशे में सरकार इतनी चूर हो चुकी है कि प्रदेश के युवाओं की मांगों की ही अनसुना किया जा रहा है? तो जनाब, वो दिन दूर नहीं जब दोबारा इन युवाओं के पास आपको जाना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं जब 2022 में पुनः इन युवाओं के बलबूते आप अपनी बात करेंगे। लेकिन देखने वाले विषय ये होगा कि क्या ये युवा सरकार को मतदान के रूप में जवाब देंगे या फिर तब तक बोल जाएंगे। आखिर क्या है युवाओं की प्रतिक्रिया, किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं इस गांधी पार्क में धरने पर, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए सीता ले चलते हैं हमारे संवाददाता दीवान नौटियाल के पास, ग्राउंड जीरो राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क से। नहीं मानते हैं अब हम बाध्य होंगे आमरण अनशन के लिए, क्योंकि हमने आपको बहुत टाइम दिया। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पहला लेटर दिया था हमने, 10 दिन का समय दिया था। कैसे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कर रही है यहाँ की सरकार? ऊपर से कहती है कि मैं 22,000 लोगों को रोजगार दूंगा, इन बेरोजगारों की हालत तो देखो यहाँ पे। आप हमको सिखाएंगे कि रोजगार क्या होता है? हमारी लगी हुई नौकरी वो भी छुड़वा दी तुमने, सड़क पे ला दिया, कटोरा हमारे हाथ में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उत्तराखंड का युवा है जिनका ये कहना है कि सरकार एक तरफ जाए ये वादे करती है कि हम रोजगार देंगे, वही जो रोजगार मिले थे उसको भी छीनने का काम कर रही। तो ये कहीं ना कहीं 2022 में जब जनता के बीच में उत्तराखंड के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो इसका जवाब जरूर मिलेगा। हमारे साथ एक अन्य बैनर भी लगा हुआ है कि UPCL पिटकुल अवसर अभियंता के 102 पदों का रिजल्ट जारी करने के संबंध में इनका कुछ ये धरना है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, क्या है आपकी पूरी मांगे और किस मांग को लेकर आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? सर, हमारी मांग इतनी है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए 102 पदों का। ये भर्ती 2016 की है और अब 5 साल होने को आए हैं, इसमें 2 बार एग्जाम भी दे चुके हैं हम। हमारा सिर्फ इतनी सरकार से कि सरकार 22,000 की बात कर रही है, हमारी 102 पोस्टों पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए, बस इतनी हमारी मांग है सरकार से। सर, आप यहाँ धरने पर बैठे, क्या यहाँ धरने पर बैठने से पूर्व आपने सरकारी स्तर पर किसी मंत्री से, किसी विधायक के, अपने क्षेत्रीय विधायक से या संबंधित मंत्री से मुलाकात की थी? यस सर, हमने सभी मंत्रियों से ज्ञापन भी दिए हैं और इसके जितने भी मंत्री हैं सभी को अवगत भी कराया है हम अपने प्रकरण से। हमें आश्वासन भी मिला है और मामला सचिवालय में भी है, सचिवालय में भी हमने अपने ज्ञापन भेजे हैं माननीय तहसीलदार के संबंध में, उनको अवगत करा के, और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई जैसे सरकारी दस्तावेज ऐसा कुछ अभी तक जारी नहीं हो पाया है इस भर्ती को लेकर। सर, क्या लगता है आपको, क्योंकि एक तरफ सरकार जो है रोजगार देने की बातें करती है, हवा हवाई शायद वो नज़र आती है जब हम इस तरह के युवाओं को यहाँ धरने पर बैठे हुए देखते हैं, दूसरी तरफ 2016 की आप इस भर्ती को बात कर रहे हैं और अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आखिर क्या मजबूरी हो सकती है सरकार की? सर, हमको ये बोला गया है कि वित्तीय स्वीकृति अभी ले रही है सरकार से, विभाग वित्तीय स्वीकृति ले रही है और हम उसी का वेट कर रहे हैं कि वित्तीय स्वीकृति हो जाती है और हमारा रिजल्ट जारी हो जाता है, बस फिर अपना हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। जी, तो ये इनकी समस्या है कि कहीं ना कहीं 2016 का ये रिजल्ट है और अभी तक नहीं हुआ है। अब वित्तीय स्वीकृति लेने की सरकार बात कर रही है, लेकिन अगर अभी तक ये 2021 चल रहा है और करीबन 4-5 सालों में अगर सरकार अभी तक स्वीकृति नहीं ले पाई है तो किस वादे के साथ वो जनता के बीच में जाएगी, इन युवाओं के पास जाएगी 2022 में, ये सोचने वाला विषय होगा। निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता इसमें जवाब तलब करेगी जब संबंधित नेतागण जो है उनके बीच में जाएंगे मतदान के लिए। अगला बैनर सहायक लेखाकार परीक्षा का है, इसको लेकर भी हम युवाओं से जाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये आप आज धरने पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है, क्योंकि आप जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, भर्ती को रद्द करने की, आखिर क्यों ये मांग कर रहे हैं आप? 12 से 14 सितंबर को हमारी परीक्षा हुई थी, ठीक है, 3 दिन तक चली थी और 6 शिफ्टों में चली थी। इसमें क्या हुआ कि गूगल ट्रांसलेट किया गया है, जो इंग्लिश के कुछ शब्द थे वो हिंदी में आया ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे हमारी टर्म में, अकाउंटेंट की टर्म में कैपिटल को पूंजी कहा जाता है, लेकिन आप नॉर्मल टर्म में कहा जाता है राजधानी, ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग होता है, ड्राइंग को चित्रकारी कर रखा है, हमारे लिए उसमें निकालना, आहरण करना, ठीक है, ऐसे ही करके कम से कम 76 गलतियाँ एक ना दी।
तो इसलिए धज्जियां उड़ा रखी हमारे एग्जाम की, इसलिए हम इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े सरकारी स्तर पर इस तरह की गलतियां क्या दर्शाता, क्या सरकार की मंशा ही नहीं है कि भर्ती कराई जाए और स्वच्छ भर्ती कराई जाए और रोजगार दिया जाए? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी धांधलीबाजी की अपने लड़कों की, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में हिंदी भाषी राज्य है और हिंदी में ही ज़्यादातर पढ़ाई होती है लड़कों की, और जिनके पास पैसा होता है वो अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो पैसा किनके पास होता है? ज़्यादातर राजनेताओं के पास, और ये अपने बच्चों के अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, तो यही मंशा हो सकती है इनकी। तो ये बड़े गंभीर आरोप इन युवाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मंशा हो सकती है कि साठ गांठ से जो है कहीं ना कहीं भर्तियों में चयनित करने की मंशा हो सकती है, जिस तरीके से ये त्रुटियां ये सामने व्यक्त कर रहे हैं युवा जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये निश्चिंत ही बड़ा ही सोचने विषय है और बड़ा गंभीर विषय है कि उत्तराखंड का युवा, जिस युवा की बात कर रहे हैं कि भविष्य भारत का भविष्य है, वो युवा आज कहीं ना कहीं धरने पर बैठा है तमाम सारी मांगों को लेकर। अगले बैनर तले यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उत्तराखंड परिवहन निगम में चयनित बेरोजगार की नियुक्ति न मिलने के संबंध में, ये भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए जाने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आप नियुक्ति को लेकर किस तरह का धरना आपका है और क्या शिकायत है आपकी सरकार से? सर, हमारा जो अनिश्चितकाल धरना चल रहा है 14 दिन से, आज 15वां दिन है, हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, क्योंकि 2017 की वैकेंसी है ये परिवहन निगम में और हमें 2017 से लेकर 2021 आ गया है, अब वो भी ख़त्म होने वाला है, तो पूरे 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो 5 साल पूर्ण होने के बाद भी हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिला अभी तक। 2 साल 2019 में पेपर हुआ था हमारा, 2019 के पेपर के बाद जितनी प्रक्रिया होती है, जैसे पेपर होना, रिजल्ट पेपर होना, फिर रिजल्ट जारी होना, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, सब कुछ हो चुका है हमारा, मतलब उसके बाद सिर्फ एक ही प्रक्रिया बचती है, वो नियुक्ति पत्र जारी होने की, उसमें करीबन 2.5 साल पूर्ण हो चुके हैं। क्या संबंधित मंत्री से या सरकार के माध्यम से आपने ये किसी को ज्ञापन दिया था कि इस प्रक्रिया को लेकर? सर, इन 2.5 सालों में जब से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है आयोग से, जब से लेके अभी तक 2.5 साल हो गए, तो इन 2.5 सालों में हमने जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं और जितने भी विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, उनके पास हम एक बार नहीं कम से कम 10-10 बार जा चुके हैं, और उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। और जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, उनसे भी हम मिल चुके हैं 1-2 बार, मगर आश्वासन के अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। थक हार के हम यहाँ धरने पर बैठने मजबूर हैं। ख्वाब ऐसे दिखाएं कि कर्ज के बोझ से दब गया प्रवासी, सत्याग्रह के नाम से ये यहाँ पर इन्होंने बैनर लगाया हुआ है और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। स्वरोजगार के लिए बैंक के भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम के खिलाफ इनका ये धरना है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, किस तरीके की स्वरोजगार की ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बैठे हुए जो ये युवा उत्तराखंड के, भाई साहब जानना चाहूँगा सबसे पहले आप किस तरह की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्ट बैंक अधिकारियों पर भी आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्या पूरी समस्या है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमचंद तिवारी है और मैं बेताल घाट नैनीताल से यहाँ पर आया हूँ और मैं 28 तारीख से यहाँ पर बैठा हूँ। इससे पहले मैं 2 महीने तक इधर से उधर सब जगह चक्कर लगा चुका हूँ। 10 दिन में नैनीताल में भी बैठा था, जहाँ से मेरा प्लांट था वहाँ भी बैठा, वहाँ से भी कोई मुझे आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद मैं देहरादून में आया, आपके पटेल नगर DIC ऑफिस, MSME ऑफिस वहाँ बैठा, वहाँ से भी कोई मुझे न्याय नहीं मिला। उसके बाद मुझे RBI के आगे बैठा, वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद मैं सचिवालय के आगे भी जस्ट सामने गेट के आगे बैठा, लेकिन वहाँ से मुझे कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब मुझे सचिवालय बैठा तो मुझे वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उठाया और उसके बाद यहाँ कहा कि यहाँ नहीं बैठ सकते। उसके बाद मैं गांधी पार्क में हूँ 28 तारीख से, उसके बाद 14 तारीख तक मैं अनशन में रहा, उसके बाद मैंने 14 तारीख के बाद पानी, जल, खाना सब कुछ त्यागा। और उसके बाद में क्या हुआ कि 3 दिन बाद हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मीडिया सलाहकार राजू बिष्ट जी यहाँ पर आए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका काम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, और उन्होंने मीडिया को भी अवगत कराया कि हम इनका काम 3 से 4 दिन में करा देंगे। लेकिन अभी तक आज 10वां दिन है, कोई मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है, कोई मेरे संग कोई फ़ोन नहीं आया किसी अधिकारी का, ना किसी बैंक का। और मेरा जो कारण है मैं आपको बता दूँ, मैंने MSME योजना जो मोदी जी की योजना थी उसके तहत स्वरोजगार के तहत मैंने 92.5 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाया नैनीताल में अपने गांव में, और उसके बाद में बैंक उन्होंने मुझे MSME ऑफिस वालों ने मुझे बैंक भेजा, इंडियन ओवरसीज बैंक। वहां पर जाने के बाद बैंक ने मुझे 1.5 वर्ष तक घुमाया, जब मैं पूछता था कि आपका लोन हो जाएगा वो हमेशा कहते थे हो जाएगा, और मैं उनके आश्वासन पर, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था तो मेरी मजबूरी थी, करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपये मैंने फैक्ट्री में लगाया, मेरे 2 प्लांट थे, एक रुद्रपुर में था और एक गाँव में। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई, जब 1.5 साल बाद जब मैनेजर ने मेरी कोई नहीं सुनी तो मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उनसे मिला, SLVC मैंने केस किया, उसके बाद बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हुआ। कारण क्या था कि वो मुझे से 10% सब्सिडी मांग रहा था, जो मुझे टैक्स मांग रहा था 70 लाख में 7 लाख रुपये मांग रहा था मैनेजर। मैंने कहा मैं अभी लोन नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए उसने मुझे इस लालच में 70 लाख में उसने 9 लाख रुपये रिलीज करे।
कि वो 7 लाख रुपये मैं उसको निकाल के दे दूँ। मैंने उसको नहीं निकाल के दिए, मैंने फैक्ट्री में लगाए। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, असिस्टेंट आया, वो घबरा के उसने मेरा क्लोन कैंसिल कर दिया और मैं भाग बहुत चक्कर काटते काटते थक गया। मैंने अपनी ज़मीन बेची, लोगों के पैसे दिए, मकान बेचा, लोगों के पैसे दिए, आज मैं मजबूर हो गया। मैं बहुत हार चुका हूँ। मैंने इसीलिए सबके, अब धामी जी जो हमारे कुशल नेतृत्व की बात करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो धामी जी ने मुझे डीएम साहब नैनीताल को आदेश किया, ये धामी जी के सिग्नेचर है, मैंने इसीलिए इसमें लगा दिया फ्लेक्स में, जो धामी जी ने आदेश किया डीएम नैनीताल को। लेकिन नैनीताल में डीएम साहब ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई भी वहाँ मुझे मिलने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने अमर उजाला में और सभी मीडिया में लिखा, 10 तारीख को मैंने आत्महत्या करने की चेतावनी दी नैनीताल, ये नैनीताल की खबर है। उसके बाद में क्या हुआ कि प्रशासन हरकत में आया और इंडिया जो एडीएम साहब थे जोशी जी, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मिलने के बाद एडीएम साहब बोले कि आपका लोन हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जब मैं वहाँ बैठा 11 तारीख को मुझे समय बुलाया गया, जो लीड बैंक के वो आए, उन्होंने बैंक वाले को बुलाया, उन्होंने कहा, बैंक ने कहा कि आपका लोन कैंसिल हो गया, हमारे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपने इस इन बेरोजगारों की पीड़ा को सुना और कहीं ना कहीं यहाँ तीन शब्द व्यक्त किए गए हैं, झूठ मत बोलो, झूठ मत कहो और झूठ मत सुनो। ये है और कहीं ना कहीं इस युवा की ये पीड़ा उजागर होती है कि जब संबंधित मुख्यमंत्री के भी आदेश है और इनके द्वारा जो आत्मदाह का जो धमकी दी गई थी उसकी भी ये खबर नैनीताल से प्रकाशित है। तो और ये अमर उजाला की है, ये तमाम अखबारों की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आश्वासन की है, आश्वासन, आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये आप सीधी खबरें जो इन्होंने अपने बैनर पर भी लगवाई है देख सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, मैं आपको याद दिलाऊं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विधानसभा चक्राता अंतर्गत फेडीज की भी इस तरह कोई समस्या थी, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने जो है पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट को अपने गांव में लाने से इनकार कर दिया था। लेकिन संबंधित मंत्री ने भी उसी प्रोजेक्ट को निरस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोजेक्ट निरस्त नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं ये अफसरशाही सरकार के कंट्रोल से बाहर व्यक्त करती है, जब जिस पर कि अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही। और यही पीड़ा यहाँ पर है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं, जहाँ प्रदेश की सरकार स्वरोजगार की बात करती है, वहाँ स्वरोजगार इस तरह का, जब एक युवा अपनी आत्मदाह के लिए मजबूर हो, जब एक युवा को मुख्यमंत्री के आश्वासन देने के बाद भी न्याय न मिल पाए, तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये सरकार 2022 में जब इन युवाओं के बीच में जाएगी, जिन युवाओं के बलबूते पर देश और राज्य में राज करने की बात करती है, आखिर वो युवा क्या प्रतिक्रिया देगा, उसका रिजल्ट हमें 2022 में देखने को मिलेगा। लेकिन ये सुनिश्चित है कि जिस तरीके के यहाँ पर ये गांधी पार्क, ऐतिहासिक गांधी पार्क, धरना पार्क बन चुका है, ये तस्वीरें बयां करती है कि प्रदेश की सरकार से युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसका रिजल्ट निश्चित तौर पर सही नहीं होगा 2022 में प्रदेश की सरकार के लिए। तो आपने देखी ग्राउंड जीरो, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क से डीसीपी न्यूज़ के साथ दीवान नोटियाल की खास रिपोर्ट। आज के लिए बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।